तो इसके बाद अगर इसका स्क्रीन देखेंगे, डिस्प्ले देखेंगे, तो यहाँ से लेकर के पूरा वहाँ तक उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है पूरा। इतना खतरनाक लुक दिया हुआ है इस कार को इन्होंने। उस लेविश कार के बाद अभी मेरे सामने खड़ी है हाइड्रोजन कार। ये भी MG की है, हाइड्रोजन H2 फ्यूल सेल बेस्ड। आपको मैं MG एक्टर का दिखाता हूँ। तो ये है MG एक्टर की EHS। तो ये की EV है EHS। बैटरी कैपेसिटी कितना होता है? 16.6 पेट्रोल और बैटरी दोनों हाइब्रिड है। तो ये चार्ज भी होती है प्लस पेट्रोल ऐसा है कि या फिर सिर्फ रीजनरेटिव होती है। नेक्स्ट जो मेरे सामने कार है वो है मार्वल R। काफी अच्छा लुक है इसका, सेडान है ये। इसका काफी हद तक लुक ऑडी टाइप का लग रहा है, बहुत ही लग्जरियस है अंदर से। अगर आप देखेंगे तो अंदर से ही इसका जो पैनल है काफी अच्छा लग रहा देखिए। यहाँ पे खड़ी MG ग्लॉस्टर, जिसको इन्होंने दिखाया हुआ है ऑफ रोडिंग वगैरह भी कर सकते हैं, और ये एक 7 सीटर है। ग्लॉस्टर का जो मुकाबला इंडिया में अगर देखें तो इनोवा है, फॉर्चुनर है, उसके उसमें है। काफी अच्छा लग रहा देखने में इसका। MG ERX 5 लोगो कम्प्लीटली डिफरेंट है। मे बी फ्यूचर में MG अपना लोगो चेंज कर सकती है। नया इसका लोगो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट कर रखा है फ्रंट में, क्या है इसका रीजन नहीं पता। सो यहाँ पर इसका लोगो भी चेंज है, लोगो के साथ में ये जो नीचे स्पोर्टी एंड इलेक्ट्रिक। इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा है, नाम दिया हुआ है स्पोर्टी एंड इलेक्ट्रिक, तो उसी हिसाब से बनाई भी है। पीछे काफी उसके बाद है हेक्टर, MG को पहचान देने वाली, MG को नाम ऑटोनोमस लेवल 2। तो ये फेसलिफ्ट वर्जन है जो कि लॉन्च होने वाला है, अभी लॉन्च हुआ नहीं है। काफी अच्छा लुक दिया हुआ है जो कि जल्दी लॉन्च होगा फ्यूचर में। फिलहाल अंदर का अगर आप देखेंगे इस तरह का जो इन्होंने बनाया हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम आ गए MG के ही एक और व्हीकल ZS EV, जो कि ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है मार्केट में, पहले से ही आई हुई है, वो यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले की हुई है। तो ZS EV ये ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च हो चुकी है और काफ़ी पॉपुलर भी है। लुक देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट व्हीकल हमारे सामने MG का वो है MG 6 EMG 6। ये भी आपकी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ये है एक्स पावर नाम दिया हुआ है इसको, पीछे से स्पोर्ट्स लुक आ रहा है इसमें। और MG की जितनी भी गाड़ियां हैं ना, इसका अंदर इंटीरियर बहुत ही क्लासी और लेविश होता है। सो इसमें भी सिमिलर उसी तरह का कुछ दिया हुआ है। एक चीज़ आपने नोटिस नहीं की होगी, इंडिया में जो ड्राइवर बैठता है वो बैठता है हमेशा राइट साइड पे, बट इस व्हीकल में आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है। सो यानी कि ये जो फॉरेन में इनके जो इस तरह की कंट्रीज हैं जहाँ पे लेफ्ट साइड चलता है, वहाँ से ये व्हीकल ये ला के यहाँ पे डिस्प्ले कर। उसके बाद अब हम आ गए हैं किया कार्निवल के, किया की है उसी के कंपटीटर के सामने। ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल MG की। तो इसके बाद अगर इसका स्क्रीन देखेंगे, डिस्प्ले देखेंगे, तो यहाँ से लेकर के पूरा वहाँ तक उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। पैसेंजर के लिए भी स्क्रीन है, पैसेंजर के लिए फुट के लिए भी रेस्ट, फुट रेस्ट वगैरह लगा हुआ है। मतलब ये है एक लेविश गाड़ी। MG ने जितनी भी गाड़ियाँ दिखाई हैं सब एक क्लासी और लेविश टाइप की, कॉस्टली। जैसे पहले टाइम पे था कि स्क्रीन फोन में चला था ना, वैसे ये कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी देखो, वो बस बड़ी स्क्रीन भर भर के दे रहा है और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फीचर्स दे रहा है।
कि मतलब एक तरह का स्मार्टफोन ऑन व्हील टाइप का बनाने की कोशिश कर रहा है। इतना खतरनाक लुक दिया हुआ है इस कार को इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये कॉन्सेप्ट कार नहीं है, ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है किसी और कंट्री में, जो कि वहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। यहाँ पे जो रिच लोग, बिजनेस क्लास लोग होते हैं, उनके लिए ये कार बहुत ही अच्छी है। उस लेविश कार के बाद अभी मेरे सामने खड़ी है हाइड्रोजन कार, ये भी MG की है, हाइड्रोजन S2 फ्यूल सेल बेस्ड। लुक काफ़ी हद तक इसी की तरह का है, अंदर से भी इस तरह की सीटिंग है, फुट रेस्ट वगैरह है। डिस्प्ले एक बार मैं देखता हूँ, नहीं उसका डिस्प्ले और इसके डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसका डिस्प्ले बहुत छोटा सा है, उसके डिस्प्ले बहुत बड़ा था। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। फ्यूचर में आने वाले टाइम में इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत चेंज होने वाला है। क्योंकि अभी ना मतलब मोस्टली जो गाड़ियाँ है ना, मतलब कार कंपनीज उनका अलाइनमेंट है या तो इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हो या फिर फ्यूल सेल की तरफ। अभी देखो टोयोटा ने अपना मिराई जो उसका प्रोटोटाइप है वो दिखाया, और इवन प्रोडक्शन में भी है जापान में, जहाँ तक मतलब मुझे पता है। बाकी अगर आप ये देखोगे तो ये MG की है जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे बेस्ड गाड़ी है। न्यू टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक चीज़ें आपको दिखाई, मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी कार थी जो देखने को मिली, समझने को मिली। आने वाले टाइम में किस तरह की कार इंडिया में लॉन्च होने वाली है, मुझे सबसे अच्छा लगा MG का सेक्शन, बहुत अच्छा लगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Innovation.